हम माता वैष्णो देवी की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पिंडी रूप में आई भवानी कैसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम माता वैष्णो देवी की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पिंडी रूप में आई भवानी कैसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। चार बढ़ा करने लगे थे ऋषि मुनियों पर, वो तो जुल्म बड़ा। यज्ञ हवन और पुण्य कर्मों में विघ्न डालते रहते, हुए बड़े परेशान ऋषि मुनि जुल्म को सहते सहते। धर्म हो गया क्षीण पाप का बढ़ता भार ही जाए, धर्म स्थापना करने को अब कोई तो आ जाए। दशरथ के घर श्री राम ने लिया है फिर अवतार, आ गए हैं वनवास करने को दुष्टों का संगा। उसी समय की है ये कहानी, सुनो सुनाते हैं। धर्मात्मा एक राजा नाम था रत्ना सागर, एक अलौकिक कन्या जन्मी भक्तों फिर उनके घर। सूर्य के जैसा तेज है मुख पर कांति, चंद्रमा जैसी माता का अवतार, स्वयं ही भक्तों वो कन्या थी। अद्भुत कन्या पाई राजा बड़ा ही धन्य हुआ, रत्ना सागर ने कन्या को वैष्णवी नाम दिया। पुत्र समान ही अपनी प्रजा को सदा समझते हैं, कुशलता पूर्वक राज धर्म का पालन करते हैं। यज्ञ हवन भी समय समय पर वो करवाते हैं। कभी कभी जाते हैं राजा खेलने वन में शिकार, शौक शौक में कई पशु पक्षी दिए उन्होंने मार। वैष्णवी ने फिर अपने पिता को एक दिन ये कहा है, इन निर्दोष प्राणियों का वध न्याय कहाँ का है। राजा तो रक्षक होता है, रक्षा करनी चाहिए, क्यों करते निर्दोषों का वध पिताजी हमें बताइए। वैष्णवी की ये बातें उनको ऐसी भली लगी, गए नहीं वो शिकार करने को फिर तो वन में कभी। किस
किसी कवध ना करे कोई ये हुक्म सुनाते हैं। समझाया है वैष्णव धर्म तो जैसे भक्तों फिर लौटाया है। रत्ना सागर घर लिया माने पुत्री रूप में जन्म, जानती थी धरती पर आने का वो प्रयोजन। बोली मात पिता से मुझको आप रोकना नहीं, एकांत वास में करूं तपस्या वन में यहीं कहीं। माता बोली वैष्णवी से तुम बेटी बड़ी नादान, कैसे तपस्या करो अकेली है जंगल भी अबान। आदम खोर पशु वन में जो मांस ही खाते हैं, समझाया है। श्री राम की भक्ति का मैंने प्रण ये उठाया है, श्री राम जिसके रक्षक बने भक्षक कौन वहाँ। करने तपस्या मुझको वन में जाना होगा माँ तो आखिर माँ होती वो कैसे देती आज्ञा, पर वैष्णवी को तप करने वन में तो आना था। अपने पिता को वैष्णवी ने तो जैसे तैसे मनाया, राजा रत्ना सागर ने फिर पत्नी को समझाया। देनी पड़ी आज्ञा पर मन से तो ना चाहते हैं। साली मूरत उन्होंने अपने मन में करने लगी तपस्या, बैठ कर जपे राम ही राम। हरि चरणों में लगा के बैठी वैष्णवी अपना ध्यान, माँ सीता की खोज में राम और लक्ष्मण जब आए, देखा एक कन्या बैठी है अपना ध्यान लगाए। कौन अलौकिक कन्या है श्री राम जानना चाहते, बैठी थी जहाँ तप में लीन वो उनके पास चले आते। बोले कौन हो कन्या हम ये जानना चाहते हैं, ¡Gracias!
देवी ने शीश झुकाया, अपना परिचय फिर तो उन्होंने राम प्रभु को बताया। बोली प्रभु जी मैं तो आपके ध्यान में ही बैठी थी, दर्श दे दिया आपने जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। धन्य भाग हुए मेरे स्वयं जो आप यहाँ आए हैं, जन्म सफल हुआ मेरा आपके दर्शन पाए हैं। हुई तपस्या सफल तुम्हारी कहने लगे श्री राम, जो इच्छा हो मन में कन्या मांग लो तुम वरदान। मन चाहा वरदान तुम्हें हम देना चाहते हैं। चाहो अर्धांगिनी के रूप में अपनी आप मुझे अपनाओ। श्री राम ये कहने लगे कि फिर से दोबारा आए, तुमने मुझे पहचान लिया तो फिर तुमको अपनाए। वैष्णवी फिर से बैठ गई है अपना लगा कर ध्यान, मन में आस लगाए बैठी आएंगे श्री राम। किंतु परीक्षा में वैष्णवी तो सफल है नहीं हुई, श्री राम जब आए दोबारा ना पहचान सकी। साधु वेश बना करके जब अपना आते हैं, कहने साधु वेश में हमको कन्या ना पहचाना तुमने। इच्छा पूरी करने तुम्हारी फिर से हम आएंगे, कलयुग में जब अपना कल की रूप बनाएंगे। त्रिकूट पर्वत पर चली जाओ वहां निवास करो, भक्तों का उद्धार करो दुष्टों का नाश करो। पिंडी रूप में वहां पे स्थापित जब तुम हो जाओगी, वैष्णो देवी नाम से जग में तुम पूजी जाओगी। कितना आशीर्वाद तुम्हें हम देना चाहते हैं। आदेश जो वही निभाया है, पिंडी रूप में विद्यमान यह भक्त वैष्णवी है। वैष्णो देवी रूप में जिनकी पूजा होती है, पहली पिंडी सरस्वती माँ, दूजी महालक्ष्मी है,
और तीसरी पिंडी भक्तों महाकाली की है। लाखों ही श्रद्धालु रोज यहाँ दर्शन को आते हैं, माता वैष्णो देवी के दर्शन जो पाते हैं। उसके बाद भैरव मंदिर श्रद्धालु जाते हैं। है जरूरी भैरोनाथ के दर्शन बिन यात्रा रह जाए अधूरी, क्योंकि स्वयं माता ने ही उनको वरदान दिया है। कैसे बना यह भैरो मंदिर इसकी भी एक कथा है। कटरा नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, माता वैष्णो देवी की वो भक्ति करता था। बड़ा ही निर्धन ब्राह्मण और ना थी कोई संतान, सच्चे मन से करता पर वो माँ वैष्णो का ध्यान। एक दिन सपने में माँ के दर्शन हो जाते हैं। तुम श्रीधर दो लगवा वैष्णो भंडारे में सारे गांव को बुलवाना, निमंत्रण जो मिलता जाए उसको दे आना। उठ करके सुबह श्रीधर ने पत्नी को बताया है, जो माता ने कहा था जैसा सपना आया है। पत्नी बोली श्रीधर से ये माँ की ही इच्छा होगी, पूरा करना माता ने आदेश दिया है जो भी। फिर तो निमंत्रण देने श्रीधर गांव में आते हैं। रस्ते में मिल जाते हैं। भैरोनाथ को भी श्रीधर ने यही बताया है, वैष्णो भंडारा बाबा मैंने कल लगवाया है। आप भी शिष्यों सहित हमारी कुटिया में आना, करके भोजन मेरी कुटिया की शोभा को बढ़ाना। भैरोनाथ ये बोले श्रीधर तुम तो बड़े हो निर्धन, आपकी कुटिया में आएगा कहाँ से इतना भोजन। फिर सपने के बारे में श्रीधर बतलाते हैं।
चिंता यही सताए, इतना भोजन सबके लिए ना जाने कहाँ से आए। किंतु श्रीधर भक्त ने है माता का ध्यान लगाया, अब तू ही जाने है माता सब है तेरी माया। सुबह जो उठ करके देखा तो अजब हुआ चमत्कार, कई तरह के पकवानों से भरा हुआ भंडार। भोजन करने लोग गांव के जितने भी आए, छोटी सी कुटिया श्रीधर की उतनी ही बढ़ती जाए। भैरवनाथ भी फिर शिष्यों को लेकर आते हैं। की कुटिया में भोजन कर रहा गांव तो सारा, एक अद्भुत सी कन्या सबको भोजन है करवाए। सोच रहे इस कन्या का पर भेद समझ ना पाए। भैरो बाबा के लिए भी जब भोजन लाई कन्या, बोले भैरवनाथ हमें ये भोजन ना करना। हम है अघोरी साधु, हमें ना वैसा भोजन चाहिए, जो भोजन करवाना कहीं से मदिरा मांस मंगवाइए। क्रोधित हो गई कन्या जो मदिरा मांस मंगाते हैं। कन्या का हाथ पकड़ना चाहा, जूं ही हाथ बढ़ाया कन्या हो गई अंतर ध्यान। भैरवनाथ ने देखा है फिर अपना लगा के ध्यान। त्रिकुट पर्वत पर गई वो भैरव ने देख लिया है, अपनी तपस्या के बल पर कन्या का पीछा किया है। एक गुफा में बैठ गई मानो माह वहीं बिताए, पर इतने में भैरो बाबा भी पीछे पीछे आए। गुफा द्वार पर एक साधु उन्हें रोकना चाहते हैं। और चाहा भीतर जाना, माता को पर जैसे ही उसका आभास हुआ, अपने त्रिशूल से गुफा के पीछे रास्ता बना लिया। पिछले भाग से निकल गई माँ भैरो, जान नहीं पाया।
नहीं मिली वह माता, फिर वो पीछे पीछे आया। त्रिकुट पर्वत की एक गुफा में बैठ गई माँ कर, पीछे पीछे भैरवनाथ भी पहुँच गया है वहीं पर। लांगुर वीर उसे पहरा देते हुए पाते हैं, लगा जाने रोक दिया भीतर जाने से उनको लंगुरिया ने। भैरवनाथ ने अपना बल फिर तो आजमाया है, गुफा बीच बैठी थी माता, क्रोध बढ़ाया है। अष्टभुजी का रूप माता ने अपना बना लिया, क्रोधित होकर माता ने त्रिशूल है उठा लिया। वार किया वैसा त्रिशूल से शीश ही काट गिराया, भैरवनाथ फिर अपनी भूल पर बड़ा ही पछताया। कटे शीश से अपनी भूल की माफी चाहते हैं, जान न पाया। जितना भी किया है तप मैंने, वो भी है सभी गवाया। ममता मई है माता, भैरवनाथ को क्षमा किया, माता ने वरदान भी भैरव बाबा को ये दिया। व्यर्थ ये तप तेरा है भैरव, कभी न जाएगा, जो मेरे दर्शन करेगा दर तेरे भी आएगा। वरना यात्रा उन भक्तों की मानी जाए अधूरी, मेरे दर्शन के बाद में दर्शन तेरे होंगे जरूरी। तभी तो भैरव मंदिर में दर्शन किए जाते हैं, सपने में फिर से माता है आई। हुई मुरादे पूरी सारी उसकी मन चाही, चार पुत्रों का माता ने उसे दे दिया है वरदान। बोली पूजा करेंगे मेरी जो हो तेरी संतान, ना ही रहोगे निर्धन अब तुम बरसे की धन माया। श्रीधर भक्त ने मात के चरणों में है शीश झुकाया, श्रीधर वंशी तब से करता माँ वैष्णो की पूजा। पावन धाम वैष्णो मैया का ऐसा न कोई दूजा, लाखों भक्त यहाँ आकर के दर्शन पाते हैं। पिंडी रूप में आई भवानी
जग की कल्याणी। तो दयावान हो मैया,
के थाम लो मेरी बैया। महिषासुर मारे ओ भक्त जनों के प्राण उबारे। खड़ग मुंडन गलमाला सब नमस्कार माँ। संकट पल में हर लेती की भाग्य विधाता। रखवारी
रहे किसी का भी डरना। जाए बखानी सदा।